तो मैं आग्रह करूंगा रोचक भाई से जो हमारा टॉपिक का विषय रह गया था उस टॉपिक को कंप्लीट करें। आज कैसा रहा? और सुबह से आप देखो कितना मतलब अच्छा सेशन रहा। दया वेकर जी को सुना तो मतलब लगा कि हाँ हम भी एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं और कैसे हम डेलीगेशन करके अलग अलग डिपार्टमेंट बना के काम कर सकते हैं। हमने अतुल जी को सुना मेडिक्लेम में कैसे काम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक जो FPRT का जो मिशन राजेश जी लिया है, इसका मिशन का मकसद ही ये है कि हम जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को अच्छे से समझ के, पहली बात है अच्छे से समझ के, जैसे उन्होंने क्या बात बोली राजेश जी ने कि मतलब हमने चीज़ को समझना है, समझने के बाद उनको बताना है और उनकी ज़रूरत को सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ें कहीं भी भेजनी है। तो अभी तक हमने क्या बात की, सबसे पहले नीड्स की बात की, डिस्कवरी ऑफ नीड्स की बात की। तो जहाँ डिस्कवरी नीड को डिस्कवर कर लिया, उसके बाद हमने अलग अलग सॉल्यूशंस की बात की। तो सबसे पहला सॉल्यूशन हमने क्या किया, हमने प्रोटेक्शन ऑफ इनकम की बात की, राइट। और मैंने जैसे चाणक्य जी का आपको बताया था, चाणक्य ने जो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए बोला था, क्या बोला था कि अपने फंड्स का एलोकेशन कैसे करना है, प्रायोरिटीज देनी है। पहला प्रायोरिटी किसको बोला था बताइए प्लीज, प्रोटेक्शन ऑफ अनसर्टेनिटी। सेकेंड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग। थर्ड डे टू डे एक्सपेंसेस। और फोर्थ सेलिब्रेशन। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, राइट? तो कौन लोग ऐसा कर रहे हैं, क्या सिर्फ हम ही कर रहे हैं, हमारे सामने वाला क्लाइंट भी ये कर रहा है? तो अगर ये बात हम क्लाइंट के सामने बोलते हैं तो उसको महसूस होगा कि हाँ हम कुछ बात कर रहे हैं, काम की बात कर रहे हैं, और एक ऐसी बात कर रहे हैं जो हमारे स्क्रिप्चर्स पे लिखी हुई है, जो आज के डेट पे वेस्टर्न कंट्रीज भी हमारे स्क्रिप्चर्स को मान रही है, राइट? तो अब जैसे हमने देखा कि जो फाइनेंशियल पिरामिड ये कहता है, जो आपका पिरामिड का जो बेस है, बेस वो स्ट्रांग होना चाहिए, और जितनी ऊंची बिल्डिंग है उतनी गहरी नींव होनी जरूरी है, उतनी स्ट्रांग नींव होनी जरूरी है, राइट? तो अगर आप ये देखें कि जो फाइनेंशियल पिरामिड में हमारे पास सबसे पहले जो प्रोडक्ट आता है वो क्या आता है, प्रोटेक्शन ऑफ इनकम। प्रोटेक्शन ऑफ इनकम की बात कहाँ आती है, प्रोटेक्शन ऑफ इनकम का मतलब है ऐसी चीजें जिसके कारण से हमारी इनकम को लॉस होने वाला है या इनकम का रिस्क होने वाला है। इनकम का लॉस कहाँ हो सकता है, या तो आदमी बीमार पड़ जाए, पॉसिबल है, राइट? और कहाँ हो सकता है उसका इनकम का लॉस, डेथ हो जाए, राइट, और डिसेबल हो जाए। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे बेसिक बात है प्रोटेक्शन ऑफ इनकम में उसका हमें स्ट्रांग करना है कि उसका लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और जितने भी इंश्योरेंस से रिलेटेड चीजें हैं जहां पर उसकी इनकम का लॉस हो सकता है, सबसे पहले हमने उसको वो प्रोटेक्ट करना है, राइट? तो थोड़ा इंटरेक्ट करिएगा और जहां अच्छा लगे तो ताली हो जाएगी, राइट? एक बार अगर प्रोटेक्शन ऑफ इनकम हमने बना लिया, प्रोटेक्शन ऑफ इनकम, जैसे एक मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, आप मान लीजिए एक घर बनाने जाते हैं, तो घर बनाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, घर बनाने में क्या सबसे पहले क्या करते हैं, नींव खोलते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद घर बनता है, ठीक है। अच्छा, अभी मैं एक एग्जाम्पल, एक वॉलंटियर चाहता हूँ, एक वॉलंटियर आप, ओके ठीक है, एक पेन है, एक बार एक छोटा सा काम करिए। आपने बचपन में ना एक हमने घर बनाए, बड़े सारे हट बनाई है ना, घर बनाए छोटे छोटे, हमने छोटे छोटे होते थे हमें बताते हैं घर बनाते हैं, घर के पीछे कोई पेड़ बना रहा है, कोई जंगल बना रहा है, कोई नदी साथ में आ रही है ना, तो एक छोटा सा क्रिएटिव काम करते हैं। तो एक बार घर बना के दिखाई दे रहा है, देखिए साथ साथ देखे जाएगा कैसे घर बनाया जा रहा है, बिल्कुल ये देखिएगा, मैं आपसे पूछूंगा कि कैसे घर बन रहा है, आपका टाइम खत्म होने वाला है एक मिनट के बाद। चलिए बस यही छोड़ दीजिए, एक और वॉलंटियर चाहिए मुझे, आई प्लीज आई, स्पीड स्पीड जल्दी आप आइए प्लीज, आप बैठ जाइए, आप इनको भी देखिएगा, चेक करिएगा ये बनाएंगे, क्योंकि कई बार ना हम भी भूल चुके हैं, लेकिन हो सकता है हमें बता पाए कि घर कैसे बनाना है, प्लीज बताइए। देखिए, थैंक यू सो मच, हो गया, थैंक यू सो मच।
दोस्तों आपने नोट किया दोनों ने घर बनाया था तो शुरुआत कैसे की थी, बहनों ने घर बनाया था तो कैसे शुरुआत की थी, तो उन्होंने पहले सीलिंग बनाई थी। सर आप क्या सीलिंग से घर बना सकते हैं? और आपने जब घर बनाया तो पहले बेस बनाया, लेकिन उसके बाद ये बीच में पता नहीं कैसे हवा में टांग दी, ये दो चीजें आपने देखा ना। दोस्तों घर कैसे बनाया जाता है, घर बनाया जाता है पहले उसकी फाउंडेशन तैयार की जाती है, फाउंडेशन तैयार करने के बाद सीलिंग से पहले क्या डलेगा, पिलर्स। तो पहले हमें घर बनाना है तो कैसे बनाना है, हमने बचपन में जो किया किया, लेकिन अब हम ये काम नहीं कर सकते जब तक एक्चुअल में सीलिंग बनाने से पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, फाउंडेशन, फाउंडेशन के बाद पिलर्स। आपने यहाँ पर क्या किया, फाउंडेशन बना दी प्रोटेक्शन ऑफ इनकम, अब उसके बाद उसको पिलर्स बनाने हैं जिससे उसकी छत पे उसे बना सके, राइट। अब वो पिलर्स क्या है, पिलर्स जो है घर के वो हमेशा रिस्क फ्री ग्रोथ से ही आते हैं। रिस्क फ्री ग्रोथ क्या है, ऐसी इंस्ट्रूमेंट्स जहां पर आप अगर सेव करते हैं तो सेव करने में किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, कोई रिस्क ना हो। और यहां पर कौन से प्रोडक्ट आते हैं, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स, बैंक, और क्या आते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, लाइफ इंश्योरेंस एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये चार प्रोडक्ट्स यहां पर आते हैं जो आपके फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, राइट। अच्छा अब क्या होता है, रिस्क फ्री ग्रोथ में हमें अक्सर कहा जाता है फाइनेंशियल इंडस्ट्री में कि यार इनमें पैसा नहीं लगाना चाहिए, इसमें तो IRR भी ठीक नहीं है, इन्फ्लेशन का काम मैप नहीं करता, ऐसे बोला जाता है। कितने लोग ये मानते हैं एक्चुअल में ऐसा है, ओके। तो अगर ये बोला जाता है बड़ी अच्छी बात है बोला जाता है, लेकिन हमें समझना क्या है कि हमारा प्रोटेक्शन के बाद हमारा अगला काम है, अगर हमने कोई सीलिंग बनानी है उससे पहले रिस्क फ्री ग्रोथ में इन्वेस्टमेंट जरूरी है। और रिस्क फ्री ग्रोथ में इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है, उसके लिए हमें समझना जरूरी है। पहले हम समझेंगे तभी हम किसी को समझा पाएंगे, इसका सबसे बड़ा रीजन है। इसके बाद ये अगर आपका कवर हो जाता है तब आप जा सकते हैं ग्रोथ रिस्क में, जहां पर आपके पास प्रोडक्ट आते हैं म्यूचुअल फंड्स हो गया, राइट, या इक्विटी हो गया। उसके बाद आपके पास हाई ग्रोथ एरिया में चले जाते हैं जहां पैसा ज्यादा इन्वॉल्व है, जैसे एंजल इन्वेस्टर्स हो गया, बड़े बड़े प्रॉपर्टीज हो गई, और फिर स्पेकुलेशन फॉर जो आपका एफएनओस वगैरह में जा सकते हैं। और जो आजकल बिटकॉइन है वो इससे भी कहीं स्पेकुलेशन से भी कहीं ऊपर आता है, राइट। अब समझना यह है कि रिस्क फ्री ग्रोथ में पैसा लगाना जरूरी क्यों है। अगर ये समझ में आ जाए क्लाइंट को कि जरूरी क्यों है, आपने उसकी नीड को डिस्कवर कर दिया, ये समझ लीजिए। क्या आप जानना चाहते हैं इसमें जरूरी क्यों है? ओके। अब इसको जानने से पहले मैं आपसे थोड़ी सी एक चीज शेयर करना चाहूंगा कि हमारी लाइफ चलती कैसे है, हम करते क्या, हमारे लाइफ में क्या क्या पड़ाव आते हैं, हमारी लाइफ किस तरह से चलती है। एक बार ये देखिएगा, हमारी लाइफ, हमारा बचपन जब शुरू होता है, ये वाली लाइफ में हमारा जो टाइम होता है ये सपोर्टेड पीरियड होता है। सपोर्टेड पीरियड, हमारे को सपोर्ट किया जाता है, कौन सपोर्ट करता है, हमारे पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं। उसके बाद हम कुछ लायक हो जाते हैं, हम अपना कमाना शुरू कर देते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, राइट। जब जॉब कर लेते हैं तो उसके बाद पेरेंट्स से मांगना बंद कर देते हैं। जब इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, हमारी शादी हो जाती है, शादी होने के बाद हमारे पास और जिम्मेवारियां बढ़ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है, हमारे बच्चे हो जाते हैं, और जब बच्चे हो जाते हैं तो उनके से रिलेटेड कुछ चीजें होती है जो हमें करनी होती है, ठीक है, ऐसा होता है। क्या क्या करना होता है, बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों की एजुकेशन की प्लानिंग करनी है, उनकी मैरिज की प्लानिंग करनी है, इनको सेटलमेंट की प्लानिंग करनी है, शादी की प्लानिंग करनी है। तो ये जो चीजें हैं वो क्या है, ये कुछ पड़ाव है जिंदगी के, हमें क्या समझना है, जिंदगी के पड़ाव है, पड़ाव। और इसके साथ साथ बीच में कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो हम करना चाहते हैं लेकिन बहुत जरूरी नहीं है, करना चाहते हैं बहुत जरूरी नहीं है, ठीक है। हमें इन दोनों चीजों के बीच में एक एक इनका डिफरेंस समझ में आना जरूरी है। अगर इसको समझ में आ गया तो ये चीज आपको समझ में आ गया तो क्लाइंट को भी समझ में आ जाएगी। अब ये क्या है उसको समझते हैं। हमने बात की, यहां पे अगेन आते हैं, रिस्क फ्री ग्रोथ में पैसा लगाना क्यों जरूरी है। सर एक नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। सबसे पहला काम ये करते हैं कि आपको रिस्क फ्री ग्रोथ में पैसा लगाने से, आप इतनी मुश्किल से, इतनी मेहनत से पैसा कमाते हैं,
तो वो जो जरूरत आएगी जब आपके बच्चों की जरूरत है, जो आपकी फैमिली की जरूरत है, वो एक ऐसी जरूरत है जो कि एक इमोशनली कनेक्टेड जरूरत है। जरूरत की बात कर रहा हूं, जरूरत है, राइट? जैसे बच्चों की एजुकेशन है, क्या आप उसको चांस पे छोड़ सकते हैं? आपकी रिटायरमेंट है, क्या उसे चांस पे छोड़ सकते हैं? बच्चों को सेटल करना क्या चांस पे छोड़ सकते हैं? राइट? तो इसको हमें समझना है, ये जो पड़ाव है, जिंदगी के पड़ाव के लिए पैसा चाहिए। अब जैसे ट्रेन जा रही है तो ट्रेन जाएगी, कुछ स्टेशन ऐसे होते हैं जहां पर ट्रेन एक मिनट के लिए रुकती है, और कुछ स्टेशन ऐसे होते हैं जहां बड़ा स्टेशन होता है, ट्रेन 10 मिनट के लिए रुकती है। इसी तरह से हमें पैसा की जरूरत है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें रेगुलर खर्चे के लिए चाहिए, तो वो आदमी की इनकम से, जो रेगुलर इनकम से, उससे जरूरत पूरी हो सकती है। लेकिन जो बड़े पड़ाव है, बच्चे की फॉरेन कंट्री में जाके उसकी एजुकेशन कराना, राइट? फॉरेन कंट्री में जाके उसकी एजुकेशन होना, वो क्या है? एक बड़ा पड़ाव है। रिटायरमेंट एक बड़ा पड़ाव है। तो उसके लिए क्या होगा, उसको कुछ ना कुछ अपने पैसे को सेव करना पड़ेगा, ताकि ये जो जरूरत की टाइम पर जो उसकी नीड है वहां पर पूरा हो सके, राइट? ठीक है? Yes. तो क्या हम इस जरूरत के साथ को चांस पे ले सकते हैं? राइट? तो सबसे पहले हमें क्या समझना है, इस जरूरत में भी दो तरह की जरूरत होती है। एक जरूरत है जो जरूरत है, एक जरूरत है जो वांट है। नीड और वांट, इनके बीच में डिफरेंशिएट करना बड़ा जरूरी है। नीड क्या है कि मेरे घर में हर टाइम खाना आता रहे, और वांट क्या है कि मैं कभी कभी 5 स्टार में भी जाके खा लूं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अगर 5 स्टार में जाके खाना नहीं खाया तो जिंदगी चल जाएगी, लेकिन अगर घर में रोटी नहीं आई तो क्या जिंदगी चलेगी? राइट? नीड क्या है कि मैं रेगुलर बेस पे मैं नलके में पानी आता रहे, और मेरी जरूरत नीड जरूरत ही है। लेकिन वांट क्या है कि मेरे घर में बिस्लरी का पानी आए और मैं कभी कभी बैंकॉक भी घूमने जाऊं। राइट? तो वो क्या वांट है? तो वांट को और नीड को, दोनों को डिफरेंशिएट करना बड़ा जरूरी है। अगर दोनों को डिफरेंशिएट किया तो हम काम कर सकते हैं। तो अभी जब हम पैसा कमा रहे हैं, सर ये ऊपर, तो जो हम पैसा कमा रहे हैं, हम एक पैसा किसी एक एक मुकाम के लिए, एक पड़ाव के लिए हम वो पैसा कमा रहे हैं, उसको पैसे को जोड़ रहे हैं। तो वो पैसा हमें जब जरूरत हो, वो पैसा इधर का उधर ना हो जाए, तो उसलिए वो पैसे को प्रोटेक्शन करना बड़ा जरूरी है। इसलिए पैसा सेफ्टी में होना पहली बात है, बहुत जरूरी है, मानते हैं? दूसरी बात कि जो आपका पैसा है, जब आपने सेविंग किया, अगर आपने, आप एक एग्जांपल देता हूं, आप ट्रेन में जा रहे हैं, शताब्दी ट्रेन में है, 150 किलोमीटर की स्पीड से शताब्दी चल रही है, और आप उसमें एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर रहे हैं, आप वॉशरूम में हो जाते हैं, सिगरेट भी आते हैं, घूम फिर भी आते हैं, दूसरे डब्बे में भी देख आते हैं कौन कौन लोग बैठे हैं, कितने अच्छे चेहरे हैं, ऐसा होता है? तो सब बहुत बोलिंग है, राइट? लेकिन उसमें क्या ऐसा लगता है कि यार हम कंफर्टेबल नहीं है, हम आराम से घूम रहे होते हैं, लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि आपको रोलर कोस्टर राइड पे बिठा दिया जाए। रोलर कोस्टर राइड जानते हैं? तो उसमें क्या होता है, रोलर कोस्टर राइड में आप बैठे हैं, तो आपको जो रोलर कोस्टर राइड में वो आपको अच्छे से जगड़ देता है, उसके बाद जो व्हील ऊपर चलता है और नीचे आता है, तो अपने को हालत खराब हो रही होती है। हमें पता है हम कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन ये होता है कि यार नीचे पहुंचने से पहले मैं लुढ़क ना जाऊं, तो हम सबसे पहले क्या तलाशते हैं, जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीज है, ऐसा होता है? राइट? तो जब आपका पैसा, अगर आपने अपने पैसे को ऐसी जगह लगाया है जो सेफ है, तो आपको होल्डिंग से नेक्स्ट लेके, तो आपको होल्डिंग कैपेसिटी प्रोवाइड करेगा। होल्डिंग कैपेसिटी क्या है कि अगर मार्केट में टर्बुलेंस आ गई, क्या मार्केट में टर्बुलेंस आएगी, इस पे कोई बता सकता है कब मार्केट में टर्बुलेंस आएगी? अगले 6 महीने मार्केट कैसे रहेगी बता सकता है कोई? अगले साल में कैसे रहेगी बता सकता है कोई? जब मेरे बच्चे की शादी होगी उस साल में मार्केट कैसे रहेगी बता सकता है कोई? सब लोग जानते हैं बात। तो अगर टर्बुलेंस आ गई, उस वक्त अगर मेरा पैसा ऐसी जगह नहीं लगा हुआ जो रिस्क फ्री ग्रोथ में है, तो हो सकता है उस टर्बुलेंस के कारण मेरा पैसा नेगेटिव में मेरे को बाहर आना पड़ जाए। ये पॉसिबल है? तो इसलिए जो पैसा आपका मिनिमम रिक्वायर्ड पैसा है, उस पैसे को आपको होल्डिंग कैपेसिटी चाहिए, तो आपको ऐसी इन्वेस्टमेंट में डालना ही पड़ेगा जो रिस्क फ्री ग्रोथ ऑफर करते हैं, और इसमें एक प्रोडक्ट हमारा लाइफ इंश्योरेंस का एंडोमेंट पॉलिसी है। तीसरा ऑप्शन, तीसरा क्या कारण है, थर्ड कारण, ये कभी भी एनकैश कर सकते हैं, और एक शॉर्ट टर्म नोटिस पे एनकैश कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कारण क्या है, एनकैश करने के लिए हमारे पास जो बायर है वो रेडी है।
बायर रेडी है, जैसे आपने पोस्ट ऑफिस स्कीम से कोई पैसा लिया, कुछ इन्वेस्टमेंट किया, एफडी लिया, तो आप जाके वापस जाओगे, आपको पैसा मिल जाएगा, राइट। लेकिन अगर आपका पैसा ऐसी जगह मतलब इन्वेस्टेड है जहां पे आपने प्रॉपर्टी में पैसा डाला है या गाड़ी में डाला है या ज्वेलरी में डाला है, तो आपको बायर ढूंढना पड़ेगा, मानते हैं बात। तो आपके पास पहली बात है, नेक्स्ट इज बायर इज रेडी, बायर तैयार खड़ा है, आप उसके पास जाओ, उसको पैसे दे दो। अब कई बार ये होता है कि बायर तो यार हम इक्विटी में या म्यूचुअल फंड में हम वहां अगर डालेंगे तो बायर तो वहां भी रेडी है, हम कभी भी ले सकते हैं वैसा, नहीं। लेकिन यहां पर एक और फैसिलिटी मिलती है कि आपके पास प्री डिसाइडेड प्राइस है कि कितने पैसे पे आप पैसा वापस ले सकते हो, वेयर एज अगर आपने पैसा कहीं एसेट में डाला है, किसी और एसेट में, म्यूचुअल फंड में, इक्विटी में या कहीं प्रॉपर्टी में, तो वो पैसा आपको या तो उस डेट की एनएवी में मिलेगा, या अगर आपका पैसा एसेट कोई प्रॉपर्टी वगैरह में डाला है तो वो इस बेस पे मिलेगा आप कितने क्राइसिस पे है। आपने देखा है कि प्रॉपर्टी जब बिकती है क्या रेट लगता है उसका, तो आप कितने क्राइसिस में है, आपकी कितनी जरूरत है, उसके बेस पे प्राइस डिसाइड होता है, ऐसा होता है। तो ये चीज आप मानते हैं, तो ये चीज आपको क्लाइंट को बता सकते हैं, राइट। तो इसलिए यहां पर आपके पास तीन ऑप्शन है, ये बहुत जरूरी है कि आपका कुछ पैसा आपका रिस्क फ्री ग्रोथ पे लगना जरूरी है, और कौन सा पैसा लगना चाहिए, जो रिस्क फ्री ग्रोथ पे कितना पैसा लगना जरूरी है, ये हमें समझना है। नेक्स्ट चलते हैं सर, जो नीड्स और वांट्स को हमने अगर आइडेंटिफाई कर लिया कि नीड्स क्या है हमारी, नीड्स है बच्चे को सेटल करना, और बच्चे को सेटल करना, आपने नीड उसको बच्चे को सेटल करना है कि यहाँ पर ही पढ़ाना है या किसी फॉरेन कंट्री में पढ़ाना है, राइट, जैसे हमने बात की। लेकिन उसको पढ़ाने के साथ साथ वो मैं चाहता हूँ हर साल वो पढ़े, तो पढ़ने के साथ साथ ना यार उसको मैं चाहता हूँ उसके पास ना जितने खर्चे हों उसके पास बेस्ट टू बेस्ट गैजेट्स हों, उसके पास ब्रांडेड क्लोथ्स हों, तो ये क्या है, ये वांट है, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, दोनों को हमें आइडेंटिफाई करना जरूरी है। तो हमें क्या है, जो चीज बेसिक नेसेसिटी है उसको आइडेंटिफाई कर लिया, वो बेसिक नेसेसिटी को हमें कहां से पूरा करना है, जो रिस्क फ्री ग्रोथ वाली आइटम है, राइट। अब यहां पर हम ये यहां पे क्या समझना है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसके तीन डायमेंशन होते हैं, एक होता है सेफ्टी कितनी है उस इंस्ट्रूमेंट में, एक होता है यील्ड क्या है उसका, और एक होता है टेन्योर क्या है। तीन चीजें होती है, आपको हर इंस्ट्रूमेंट में पता चल जाएगा उसका टेन्योर क्या है, हर एक में पता चल जाएगा यील्ड क्या है, पर क्या सेफ्टी पता चलती है, सेफ्टी कैसे पता चल सकती है, सेफ्टी का ऑपोजिट होता है रिस्क, यह हमें समझना जरूरी है। रिस्क को अगर हम चेक कर लेंगे तो हम अपने पोर्टफोलियो को बना सकेंगे। रिस्क को मेजर करने का एक तरीका है, रिस्क मेजर होता है बीटा से, और बीटा क्या कहता है, आप देखिए जैसे आप डिस्टेंस है कैसे मेजर करते हैं, मीटर्स में, किलोमीटर्स में, यस नो मे बी, लिक्विड को कैसे मेजर करते हैं, लीटर्स में, तो रिस्क को कैसे मेजर करते हैं, बीटा से। बीटा क्या कहता है, अगर बीटा इज इक्वल टू जीरो है किसी भी इन्वेस्टमेंट का, तो उसका कोई कोरिलेशन नहीं है बेंचमार्क के साथ। बेंचमार्क सब समझते हैं, सब समझते हैं, सेंसेक्स होता है, राइट। तो अब बेंचमार्क से उसका कोई रिलेशन नहीं है, तो ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो बीटा इज इक्वल टू जीरो ऑफर करते हैं, वो गवर्नमेंट बैक्ड लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज ही है जो आपको बीटा इज इक्वल टू जीरो देते हैं। जहां हमने बात की वॉन्ट्स की, उसकी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे नीड्स की, जिसको आप बिल्कुल रिस्क, जिसको चांस पे नहीं छोड़ सकते, उसके लिए हम बात कर रहे हैं बीटा इज इक्वल टू जीरो। बीटा इज इक्वल टू वन कहां पर है, जहां पे वोलेटिलिटी बेंचमार्क के मुकाबले की बराबर की है, बीटा मोर देन वन उसकी वोलेटिलिटी बेंचमार्क से ज्यादा है, ये समझ रहे। बीटा मतलब आपने म्यूचुअल फंड का काम किया होगा तो आप समझ रहे हो, तो बीटा इज मोर देन वन कहां है, अगर सेंसेक्स मान लीजिए 100 पॉइंट ऊपर उठा तो ये 100 पॉइंट से ज्यादा ऊपर उठेगा, नीचे गया तो उतना ही नीचे उससे ज्यादा जाएगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। अब यहां पर हमने अगर क्लाइंट के पास जब मैं बैठा तो मैंने उनसे बात की, मैंने उनसे एक छोटी सी बात पूछी कि सर आप रिटायर, आप काम कर रहे हैं तो कभी तो रिटायर होंगे, राइट, एक वॉलंटियर चाहता हूं मैं, सर आप क्या काम करते हैं, तो सर आपको जॉब में क्या पेंशन मिलेगी, नहीं,
अच्छा अगर आप 7 साल में रिटायर होंगे तो आपके पास ऑप्शन होगी, अगर मिले कि भाई गवर्नमेंट आपको पेंशन देने को तैयार है तो क्या आप लेना चाहेंगे? तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, हमने क्लाइंट से पूछने की कोशिश की क्या वो पेंशन लेने को तैयार है, राइट? अच्छा इसको थोड़ा सा और चेंज करने की कोशिश करते हैं। अगर आप मान लीजिए, चलिए आप प्राइवेट जॉब में है, प्राइवेट जॉब में आईटी इंडस्ट्री में, ठीक है, आईटी इंडस्ट्री में एंड यू आर हैविंग वेरी गुड इनकम, 1 करोड़ रुपए साल की इनकम है, हो सकता है? सोचने में तो कोई हर्ज नहीं। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि सर एक बात बताइए, आप जैसे आपने बोला 60 साल में डायलॉग है, आपने बोला पेंशन नहीं मिलेगी, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सर आपको कितना पैसा पर मंथ मिल जाए जिससे आपको लगता है कि आपके लिए जो रिटायर होना आसान हो जाएगा और आप एंजॉय कर पाएंगे लाइफ को? कम से कम 5 लाख देखिए, ध्यान से समझिएगा, 5 लाख रुपये महीने की बात कर रही है, राइट? अच्छा एक बात नहीं, अगर मैं 4 लाख दूँ तो चलेगा? कुछ यूज कम करना पड़ेगा बच्चों को। अगर मैं 3 लाख दूँ तो चलेगा? मुश्किल है। देखिए यहाँ समझने की कोशिश है कि 3 लाख रुपए में काम नहीं चलेगा, 4 लाख रुपए में काम चल जाएगा। तो इनको मिनिमम पैसे कितने चाहिए? 4 लाख रुपए मिनिमम की इनको पेंशन चाहिए, समझ रहे हैं? एक बात सर, एक बात बताइए, आपने 4 लाख की बात की है, अगर मैं आपको कहूँ मैं 6 लाख दे दूंगा महीने का तो कैसे चलेगा, कैसा रहेगा? इनका एक्सप्रेशन देखिए एकदम से, उन्होंने क्या बोला, वो तो बढ़िया हो जाएगा। और सर मैं 8 लाख दे दूँ तो आप समझ नहीं रहे? तो हमने क्या किया, थैंक यू सो मच, हमने क्या किया, हमने ये समझने की कोशिश की कि मिनिमम पैसा कितना चाहिए, रीजनेबल कितना चाहिए और एस्पिरेशनल कितना चाहिए। इन्होंने बोला मिनिमम 4 लाख से तो मेरा काम उससे कम नहीं चलेगा पर मंथ से, 6 लाख हो जाए तो रीजनेबल है, बेटर हो जाएगा, लेकिन अगर 8 लाख हो जाए तो क्या है, एक बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। आपने क्या किया, उसकी जरूरत को यहाँ पे ले आए कि नीड क्या है और वॉन्ट क्या है, ये उसकी नीड है, ये समझ लीजिएगा, यहां वॉन्ट है। तो नीड, जैसे ही नीड की बात आई तो नीड को पूरा करने के लिए, जैसे यहां एग्जांपल लिया कि 1 लाख रुपए मंथली पेंशन चाहिए थी या 2 लाख चाहिए थी या 3 लाख चाहिए थी, जिसमें मिनिमम 1 लाख है, रीजनेबल 2 लाख हो जाए तो बच्चा है, अच्छा है, रीजनेबल और एस्पिरेशनल अगर उसके बाद 3 लाख रुपए हो जाए तो 1 लाख को करने के लिए उसके पास 2 करोड़ का कॉर्पस हो जाए तो 1 लाख जनरेट हो जाएगा। 2 करोड़ को सीधा 6% में डाल दें अगर बैंक में तो राइट हो जाएगा, यस नो मे बी ओके। और अगर 2 लाख चाहिए तो उसके लिए 4 करोड़ चाहिए, और अगर आपको 3 लाख चाहिए तो 6 करोड़ चाहिए। तो उसका ये, इसका तैयारी कैसे की जाए, ये 2 करोड़ आपको मोड ऑफ सेविंग रेगुलर से करना पड़ेगा, रेगुलर सेव करना पड़ेगा। इसके लिए 2 करोड़ यहाँ से आ गया, बाकी के लिए रेगुलर करना पड़ेगा। इसके लिए जो बाकी का डिफरेंशियल 2 करोड़ है, उसके लिए जब जब जरूरत पड़े, जब जब मार्केट में ऑप्शन आए, तब तक आप इन्वेस्ट कर सकते हो। किस तरह से करना पड़ेगा, यहां पर आप अपनी कैपिटेंसी को रिस्क नहीं ले सकते। आप अपनी जो आपका जो गोल है, जो नीड वाला गोल है, जो मिनिमम जरूरत वाला गोल है, क्या उसको चांस पे छोड़ना चाहते हैं? क्योंकि बीटा तो देखना पड़ेगा ना, बीटा तो इवन फंड मैनेजर भी, अगर आपको हमें म्यूचुअल फंड में या इक्विटी में कहीं भी अगर हम प्रोस्पेक्टस भी देखते हैं, वहां पर बीटा लिखा होता है। इसका मतलब क्या है, अगर मार्केट में सब कुछ सेम ही चलना है, 15% देना ही देना है, तो बीटा लिखने की क्या जरूरत है? आप समझे बात को, अगर हम सब कुछ 15% देना ही देना है तो बीटा लिखने की जरूरत क्या है? पर क्या मार्केट में पैसा नहीं डालना चाहिए, वैसा नहीं कह रहा, लेकिन हमें पता होना चाहिए हम क्या डाल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं वो पता होना चाहिए। तो हमें क्या है, मिनिमम ने क्या है, इस पैसे के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकते, ये पैसा सेफ पे जाना चाहिए, इस पैसे के साथ थोड़ा सा मॉडरेट रिस्क ले सकते हैं, मैं खुद कह रहा हूं मॉडरेट रिस्क लेना चाहिए, और उसके बाद यहां पर इस पैसे के लिए आप एग्रेसिव चल सकते हैं। यहां पर ये पैसा आपका लेस लिक्विड होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए। क्यों सॉलिड होना चाहिए, उसका भी एक रीजन आपको दूंगा। यहां पर आपका मीडियम लिक्विडिटी होनी चाहिए और यहां पर हाईली लिक्विड होना चाहिए, ताकि जब अगर लगे ऑप्शन ऐसी है कि मार्केट डाउन हो सकती है, कुछ हो सकता है, तो आप पैसा विड्रॉ कर सकें। और इसके लिए आपको इन्वेस्ट क्या करना पड़ेगा, ये पैसे को आप बीटा इज इक्वल टू 0 में अगर नहीं इन्वेस्ट करा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं एक गलत कारण हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा होगा ही, हो सकता है, बहुत अच्छा है मुझे, बट देयर इज अ चांस, आप चांस पे छोड़ रहे हैं सिचुएशन को। और यहां पर आप लेस देन वन में आपको, जैसे आपका बैलेंस फंड में पैसा डाल सकते हैं यहां पर, और इस पैसे को लिए आप हाईली अग्रेसिव जो आइटम्स है उसमें पैसा डाल सकते हैं, राइट? क्लियर, मेकिंग सेंस ऑफ डॉट?
राइट, तो ये बात कर सकते हैं क्लाइंट से। अब यहाँ बात की कि ये हमने लेस लिक्विड की बात की, सॉलिड क्यों बात की? सर नेक्स्ट, देखिए सर सॉलिड क्यों, ये एक बहुत अच्छी बात है। एक बार मुझे याद है, ये पंकज भाई को मैं थैंक्स करता हूँ, उन्होंने एक बार इंटरनेशनल कन्वेंशन से बात बोली थी और मैं वहाँ सुन रहा था शायद आज से 2 साल पहले, कि एक लाइफ में एक सिंपल सा रूल है, कंपल्शन प्लस डिसिप्लिन ओनली गिव्स यू रिजल्ट्स। कंपल्शन प्लस डिसिप्लिन ओनली गिव्स यू रिजल्ट्स। आपका बच्चा स्कूल जाता है, 8 बजे स्कूल जाता है, 8 बजे अगर स्कूल का कंपल्शन है, पहुंचना ही पहुंचना है, उसका डिसिप्लिन है, उसने काम करना ही करना है, होमवर्क, तभी वो आगे बढ़ता है। आपकी जॉब करते हैं तो भी यही होता है, बिजनेस करते हैं तो भी यही होता है, ऐसा होता है? कोई ऐसा है बिना कंपल्शन या बिना डिसिप्लिन के लिए आगे बढ़ गया हो? नहीं होता। तो इसी तरह से आपकी इंस्ट्रूमेंट्स में, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, उसमें भी जरूरी है, अगर आपका एक कंपल्शन है कि महीने में इस डेट पे या साल में इस डेट पे इतना पैसा हर साल मेरा डेबिट होगा ही होगा मेरे गोल के लिए, जो मेरा अचीवमेंट गोल करना है, चाहे वो रिटायरमेंट है, चाहे वो चाइल्ड एजुकेशन है, तो एक अगर वो फिक्स है, कंपल्शन है, तो वो पैसा जमा होगा, प्लस वो डिसिप्लिन है कि मैं विड्रॉ नहीं करूंगा जब तक वो गोल अचीव नहीं होगा। जब तक वो गोल अचीव नहीं होगा तो मैं विड्रॉ नहीं करूंगा, तभी आपको वो रिजल्ट आ सकता है, वरना रिजल्ट आने के चांस नहीं है। कितने लोग ये मानते हैं? आपने देखा ये बात, महसूस किया है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में, राइट? तो अगर आप यहां देखें, अगर आपके पास, आप अपनी लाइफ में आप कंपल्शन और डिसिप्लिन रखते हैं, आप अपनी लाइफ में कंपल्शन और डिसिप्लिन रखते हैं, आपका डिसिप्लिन है, आपने सोचा कि मैं सुबह 6 बजे उठ के वॉक करने जाऊंगा और जाएंगे ही जाएंगे, राइट? या आपने अपने आप से कोई वादा किया या फैमिली से वादा किया आप जिंदगी में निभाएंगे ही निभाएंगे, तो सर आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में पैसा डाल दीजिए, आप जो गोल अचीव करना चाहते हैं वो अचीव हो जाएगा। पर अगर सर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप कंपल्शन या डिसिप्लिन में वीक है और कहीं ना कहीं आपको बाहर की सपोर्ट की जरूरत महसूस होती है, तो सर एक ही प्रोडक्ट है जो आपको इनबिल्ट कंपल्शन और डिसिप्लिन देता है, वो लाइफ इंश्योरेंस एंडोमेंट पॉलिसी है सर। आप कोई भी प्रोडक्ट उठाए, पीपीएफ में पैसा डालें, आपके पास ऑप्शन है, 500 रुपए डालें, 1.5 लाख डालें ना डालें आपकी ऑप्शन है, म्यूचुअल फंड में डालें ऑप्शन है, राइट, इक्विटी में डालें ऑप्शन है, कोई भी प्रोडक्ट उठा लें, सिर्फ एक प्रोडक्ट ऐसा है आप जिसमें आप देखेंगे, अगर आप खुद भी देखेंगे, ये मैं अतुल भैया से बात समझी थी और बहुत अच्छी लगी थी कि आप मुझे, मैं आपको 1 लाख लोग ऐसे लाके दिखा देता हूँ जिन्होंने लाइफ इंश्योरेंस से अपनी रिटायरमेंट क्रिएट की और बनाई, आप मुझे सर 100 लोग ऐसे लाके दिखा दो जिनके पास म्यूचुअल फंड से एक रिटायरमेंट क्रिएट की, राइट? पर क्या म्यूचुअल फंड बेचना गलत है? नहीं, हमें अल्टीमेटली वो जो बाकी के जो उसकी एस्पिरेशनल नीड्स है उसको पूरा करना है, वो भी हम ही करेंगे, वो भी हमने जो फाइनेंशियल पिरामिड की बात की, वहां जो रिस्क फ्री रिस्क विद ग्रोथ है, हमने वो भी काम करना है, लेकिन हमें पहले उसका बेस भी बनाना है, स्ट्रांग बनाना है, सो दैट उसको अगर कल को जरूरत हो तो उसका जो जो ट्राइंगल है ना वो डिस्टर्ब ना हो जाए। आपको ना मार्केटिंग की एक भाषा है, सुना आपने मार्केटिंग में क्या कहते हैं? जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है? पैसे की क्या भाषा है? जो दिखता है वो खत्म हो जाता है, जो दिखता है वो खत्म हो जाता है। आपके बैंक में जितने पैसे हैं कितने टिकते हैं 1 महीने बाद? आप सुबह घर से, आप बैंक से पैसे निकलवा के लाते हैं, आप क्लाइंट से पूछिए, सर आप विड्रॉ करके लाते हैं एक सर्टेन अमाउंट, कितनी देर में खत्म हो जाता है? आपको क्या लगता है क्या आंसर देगा वो? राइट, जैसे पैसे आते खत्म हो जाते, जो पैसा दिखेगा, अब दिखेगा का मतलब वो खत्म हो जाएगा, इसके बाद जितना पैसा ज्यादा लिक्विड होगा वो पैसा अपने गोल तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर आप अपने गोल तक पैसा पहुंचाना चाहते हैं तो उस पैसे को आपको सॉलिड करना ही पड़ेगा। हमने पिछली बात की ना, वो पैसा सॉलिड में होना चाहिए, पिछली वाली साइड में यहां पे बात की थी ना, ये पैसा सॉलिड में लगना चाहिए। तो अगर वो पैसा सॉलिड नहीं होगा तो पैसा अल्टीमेटली वो पैसा यूज आगे नहीं पहुंच पाएगा, अगर आपका कंपल्शन और डिसिप्लिन अपने आप में नहीं है तो। राइट, मेकिंग सेंस? यस सर। नेक्स्ट, इसे अगला, फिर एक छोटी सी बात है, अगर 1 करोड़ रुपया आपको रिस्क फ्री ग्रोथ से चाहिए, तो अगर आप नेक्स्ट चले सर, 60 साल की में चाहिए तो 25 साल में शुरू कर देंगे तो सिर्फ 60,000 रुपए महीना बचाना, साल का बचाना है,
आप थोड़ा सा लेट हो गए और आपने 35 साल में शुरू किया तो आपको 1,60,000 रुपए पर एनम बचाना पड़ेगा जो कि 266% ज्यादा है 60,000 का। नेक्स्ट सर, और अगर आप 5 साल और लेट हो गए तो 280,000 बचाना पड़ेगा जो कि 1,60,000 का 175% है। नेक्स्ट सर, और अगर आपने 5 साल और लेट हो गए तो 4,70,000 बचाना पड़ेगा जो कि 167% ज्यादा है 2,80,000 रुपए का। और 45 साल की उम्र में अगर हमने ये पैसा बचाया 60 साल में ही लेने के लिए तो उसके बाद हम क्या कहते हैं कि LIC में, क्योंकि जब हम उसके 25 साल में गए थे तो उसको रिटायरमेंट दिखी नहीं थी। आप बात समझ रहे मेरी बात? तो आज की डेट में जब क्लाइंट्स के पास जाके बैठता हूँ ये बात करता हूँ तो उसको ये लगता है कि हमने 45 में शुरू किया। बेटा है भाई रोचक, हमारे बेटे का 18 साल में यह स्टार्ट करते रिस्पी ग्रोथ तो चाहिए ही चाहिए। आप चाहते हैं ऐसा लोग सामने से बात करें? Yes. तो उसको समझाना पड़ेगा कि ये किस लिए जरूरी है। राइट, मेकिंग सेंस? तो हमने क्या किया यहाँ पर, हमने बात की कि इन्फ्लेशन की अगर जो बात होती है, कई बार इन्फ्लेशन में बोला जाता है, इन्फ्लेशन कई बार हमें ये बोला जाता है फाइनेंशियल इंडस्ट्री में कि ये प्रोडक्ट्स जो है इन्फ्लेशन बीट नहीं करते। राइट, पर मुझे एक छोटी सी बात मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या हमारे पेरेंट्स ने कितना इन्फ्लेशन देखा था बता सकते हैं? मुझे याद है कि मैंने 14% पे इंटरेस्ट पे FD कराई थी, किसी को याद है वो टाइम? यस यस। राइट, उस टाइम हमने जो देखा कि हमारे जो फोर फादर्स हैं, पेरेंट्स ने 22% का इन्फ्लेशन देखा, उसके बाद भी उन्होंने 5-5, 10-10 बच्चों की शादियां की और प्रॉपर्टी बनाई है। कितने लोग यस बोलते हैं? उस टाइम तो इक्विटी नहीं था, फिर कैसे? उसका सबसे बड़ा रीजन क्या था? वो कहते हैं स्टार्ट करो सेविंग करना जल्दी से जल्दी, स्टार्ट अर्ली एंड रीच सेफली। यहां हमने बात क्या किया है, स्टार्ट अर्ली 60,000 पे और इजीली बिना मतलब सेफ्टी के साथ वो पैसा वहां तक पहुंच गए और उन्होंने अपने सेविंग्स पे ध्यान दिया। यहां पर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि इक्विटी में नहीं डालना या म्यूचुअल फंड में नहीं डालना, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि हमें ये समझना है कि कहां पर फाइनेंशियल पिरामिड को स्ट्रॉन्ग करते हुए अपने क्लाइंट को लेके जाना है और हमने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग भी कैसे करनी है। राइट, नेक्स्ट, थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो यहां पर बोलिए। एनी क्वेश्चंस? कोई सवाल किसी का? प्रॉपरली समझ में आ गया कि अभी आपका जो है म्यूचुअल फंड की जगह एंडोमेंट पॉलिसी बिकने वाली है। थैंक यू रोचक भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर कंप्लीटिंग। बहुत हमने दिया बैठे हैं, बहुत बढ़िया था, बहुत ही इसमें कोई कहीं कोई कमी नहीं थी। पर सर अगर बताएंगे तो आप उससे अपने जीएम से बैठे तक आपको डेढ़ घंटा आपको लग जाता है, तो इतना टाइम लगाएंगे दे पाता सुनने के लिए? आपको ट्रेन करने के लिए था पहले, सबसे पहले फंडामेंटल आपका क्लियर होना जरूरी है और उसके बाद आपको समझते हैं तो सबसे पहले आप अपने एजेंट भाई को बताइए, सबसे पहले ऐसे लोगों को बताइए जो आपको पता है टाइम दे देगा पॉलिसी नहीं देगा, उसके साथ बैठ के बात करें, आपका एक्सपर्टीज हो जाएगा उस केस में कि हाँ इसने पॉलिसी नहीं देनी पर इससे बात कर करके मैं अब इससे कौन कौन सी चीजें समझ पाया हूँ ताकि जब मैं क्लाइंट के पास बैठूँ तो वो बात कर सको। और दूसरी बात, जहां तक क्लाइंट टाइम दे पाएगा नहीं दे पाएगा, देखिए क्लाइंट 2 घंटे भी देता है, 3 घंटे भी देता है, 4 घंटे भी देता है, उसको लगना चाहिए आप वैल्यू दे रहे हो, ये बात समझिए, उसको लगना चाहिए आप वैल्यू दे रहे हो। और स्टार्टिंग में आप उनसे ऐसी बात करके बात कर सकते हो जिससे उसको लगे कि इसके साथ बैठने में मेरे को वैल्यू है, 1 घंटे की 2 घंटे की मैं बात कर सकता हूँ, इसको टाइम दे सकता हूँ, तो वो टाइम जरूर देगा। ठीक है, बाकी जैसे जैसे आप मीटिंग करते रहेंगे, एक्सपर्टीज होते रहेंगे, अलग अलग क्वेश्चन आते रहेंगे, अलग अलग जवाब देते रहेंगे। थैंक यू सो मच, आपने मुझे ध्यान सुना, थैंक यू सो मच।